हेलो गाइस, वेलकम टू साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज मैं ये फर्स्ट ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की है, तो हो सकता है मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस अलग रहे, लेकिन फिर भी जो कुछ है वो आपके सामने है। मैं आपको एक जानकारी अपडेट कराने वाला हूँ। जो आप ये चैनल देख रहे हैं साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इस चैनल पर दोस्तों मेरे 5K यानी कि 5000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं। तो इस खुशी में ये मैं अपना पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मुझे खुशी हो रही है अंदर से। 5K यानी कि 5000 सब्सक्राइबर, ये आप लोगों की मेहरबानी के वजह से ही कंप्लीट हो पाए हैं। मैं आपको एक और अपडेट देने वाला हूँ। फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, और ये सब लोग आपकी दुआ है और आपकी ही वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि अगर आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो जो भी भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं या इस चैनल को आप देख रहे हैं, तो आप थोड़ा इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, जिससे मेरा थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि आज ये मेरा सेकेंड वीडियो है जो फेस मैंने रिवील किया है। जो फर्स्ट वीडियो दोस्तों थी, उसमें मैंने अपना फेस रिवील किया था, तो उसमें काफ़ी हेजिटेट हो रहा था मैं। अब ये मेरा सेकेंड वीडियोस है जिसमें मैंने अपना फेस रिवील करके आपको दिखाया है। तो आपको पता ही होगा, अगर आप भी वीडियोस बनाते हैं फेस टू फेस कैमरे के साथ, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थोड़ा मोटिवेट की ज़रूरत है, जो आप लोग, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। ये तो मैंने कुछ आपको अपडेट दी है, जैसे कि 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट एंड चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अब रही बात, तो थोड़ा मैं आपको अपने आसपास का एटमॉस्फेयर भी दिखा देता हूँ कैसा है। दोस्तों, आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत दिन है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कैमरे में, ऊपर कालीगढ़ छाई हुई है, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। अभी कुछ समय पहले, लगभग आधे घंटे पहले, यहाँ पर बारिश भी हुई थी। चलिए एक बार मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना VIP और कितना सुंदर नज़ारा है जो कि आप देख रहे हैं। ये हमारी छत के चारों तरफ का एक बैक कैमरे से लिया गया व्यू है। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं, अच्छा है कुल मिला के। और ये जाती है एक नहर जो कि हमारे घर के सामने से निकलती है। नहर इस समय सूख हुई चल रही है। देखिए दोस्तों, जब इसमें पानी आता है तो ये पूरी तरह से भर के चलती है, और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे नहर के दोनों साइड में रोड है, एक हमारी साइड में पड़ता है और एक नहर की उस साइड में। दोस्तों, जो अपोजिट साइड है उसमें हिंदू रिलीजियस रहता है और इस साइड में टोटल मुस्लिम रहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में एकता कायम है और अच्छी तरह से मिलजुल के रहते हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो आते भी हैं मेरे पास काम कराने के लिए। मेरे फ्रेंड भी हैं वो लोग, और मैं भी अच्छी तरह से उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो हम सब लोग एक भाई भाई की तरह रहते हैं, क्योंकि ये छोटा सा गांव है जो कि जिसका नाम रिछुला किफ़ायतुल्ला है। इस गांव में ही मैं यहाँ पर अपना वर्क करता हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में, अगली कभी, मैं अपनी शॉप भी आपको क्लियर कराऊँगा। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों, ये हमारे घर के पीछे का दृश्य है। ये पीछे वाला सीन है, तो इसमें आप देख रहे हैं जो कि सरसों के पौधे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह का है। और एक चीज़ और, यहाँ पे एक नागपनी का पौधा लगा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये कुर्सी जो आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से हैं। अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये देखिए ये कौन से स्टाइल में कुर्सी यहाँ पर पड़ी रहती हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये देसी स्टाइल है। इसका, इसको ऐसे क्यों रखा गया है, इसका मेन रीज़न है यहाँ से सर्द हवाएं आती हैं पीछे से। जब हवा तेज़ चलती है तो ये कुर्सी जो है वो उड़ जाती है, तो इस वजह से किसी ने इस कुर्सी को पलट के रख रखा है, जिससे ये उड़े नहीं। वैसे तो मेनली आपको पता ही है, ये चैनल मेरा इलेक्ट्रिकल्स का है, जिसपे मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपडेट कराता रहता हूँ। तो आप जाके उन वीडियोस को देखिए और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, पहला ब्लॉगिंग का वीडियो होने की वजह से हो सकता है वीडियो में कोई मिस्टेक हो, तो आप नीचे सजेस्ट करिएगा,
मैं उस पर फोकस करूँगा और अपना कंटेंट और सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।